दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल से संन्यास देकर पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि भारतीय टीम के कई सुपरस्टार खिलाड़ी भी बेहद भावुक हो गए और फिर उनकी याद में कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया दंग। तो आखिर विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, यहां तक कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने क्या कुछ धोनी की याद में कहा। क्यों इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। क्यों इन सभी को आ गई महेंद्र सिंह धोनी की याद और क्यों धोनी के संन्यास पर रो पड़े बुमराह और जडेजा। इन सभी खिलाड़ियों का बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, द मैन, द मेथ, द लीजेंड, महामहिम माही के सुनहरे करियर का आखिरकार अंत आ चुका है, जिसकी पुष्टि होना तो अभी बाकी है, लेकिन करोड़ों फैंस ना चाहते हुए भी उन्हें दिल से अलविदा कह चुके हैं। धोनी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह चेपाक के मैदान पर अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे और जब वह घड़ी आ गई तो सबकी आंखें नम हो गई। राजस्थान के खिलाफ माही ने एक बार फिर आखिरी मैच में अपनी टीम चेन्नई को जीत की दहलीज के पार ले जाकर चेन्नई को विजय पताका लहराई, लेकिन जीत के बाद की खुशी तो दूर चेन्नई की आंखों में आंसू थे। चेन्नई के खिलाड़ी निराश थे क्योंकि धोनी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए मैच खत्म होने के बाद धोनी के लिए ग्रैंड विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। सभी खिलाड़ी इतने भावुक थे कि सबने धोनी से मुलाकात की और उनसे चर्चा की, उनके अनुभव को साझा किया। यहां तक कि मैच खत्म होने के बाद भी सभी फैंस स्टेडियम में धोनी का आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। चेन्नई के ऑनर की तरफ से मेडल सेरेमनी का भी आयोजन किया गया और जिसमें चेन्नई के सभी खिलाड़ियों को बेहद स्पेशल गोल्ड मेडल दिया गया। खासतौर पर धोनी को सबसे स्पेशल मेडल दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया और इसके बाद धोनी ने पूरे स्टेडियम में परेड कर अपने फैंस को सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। इस दरमियान पूरा स्टेडियम धोनी धोनी और माही माही के नारों से गूंज रहा था। धोनी ने सबको बॉल में गिफ्ट दिया और अपने हाथों से अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। इस यादगार लम्हे का हर कोई गवाह बना और माही ने अपनी मौजूदगी, अपनी मुस्कान, अपनी दरिया दिली से अपने रिटायरमेंट सेरेमनी में चार चांद लगा दिया। यहाँ तक कि अब धोनी के रिटायरमेंट को लेकर भारतीय टीम के बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी भी मायूस हो गए और उन्होंने कई बड़े बड़े सनसनी खुलासे धोनी के गुणगान करते हुए किए हैं। वहीं धोनी के चाहते रवींद्र जडेजा तो उनके लिए भावुक कर देने वाले शब्द कह दिया। तो चलिए हम आपको इन सभी भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने धोनी के संन्यास पर अनमोल शब्द कहे हैं। धोनी का अजीज दोस्त रवींद्र जडेजा ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि मैं धोनी भाई के बिना चेन्नई की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। जब से मैंने करियर शुरू किया है तो मैं उनके साथ खेला हूं, उनके नीचे खेला हूं और मैंने विकेट से लेकर आखिरी विकेट तक हमेशा धोनी भाई मेरे साथ रहे हैं। अचानक से वह चले जाएंगे, ये मैं नहीं चाहता हूँ, कोई भी नहीं चाहता, सब उन्हें देखना चाहते हैं और मुझे उनमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि वे बोलेंगे तो मैं हर बार उनके लिए अपना विकेट गंवाने के लिए तैयार हूँ। उन्हें अलविदा कहना बहुत मुश्किल है, वो तो अभी भी आराम से 3 से 4 साल खेल सकते हैं और वो तो खेलते ही रहे, तो उन्हें क्या तकलीफ है, बस चेन्नई को छोड़कर ना जाए, उन्हें संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी भावुक मन से धोनी के संन्यास पर बयान देते हुए कहा, धोनी भाई के संन्यास हर किसी को सदमे में डाल दिया है क्योंकि किसी को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वो अपना अंतिम मुकाबला खेल रहे हैं। मैं तो बेहद भावुक हो गया, हमने सोचा नहीं था कि धोनी भाई इतने जल्दी संन्यास लेंगे। मैं बेहद लीजेंड खिलाड़ी और मैंने तो सब कुछ इन्हीं से सीखा है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज तो मेरे पास जीवन में काफ़ी कम काम आता है, मैंने अपना भगवान मानता हूँ। अभी संन्यास लेने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन धोनी भाई अपना डिसीजन खुद लेते हैं। वहीं धोनी के संन्यास पर विराट कोहली ने भी भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि ओह, खबर सुनकर तो मैं काफ़ी दुखी हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि धोनी भाई अचानक संन्यास ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास अचानक लिया था, लेकिन आईपीएल में हर कोई उम्मीद लगा रहा था कि धोनी भाई अभी भी मैदान पर खेलते हुए दिख सकते हैं। मैं तो उनके संन्यास पर काफ़ी भावुक हूँ, मैं सब कुछ उन्होंने से सीखा है और आज मैं जहाँ पर भी उन्हीं की वजह से हूँ, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ और वो मेरे क्रिकेट के भगवान हैं। धोनी भाई जैसा खिलाड़ी और इंसान हमने आज तक नहीं देखा, वह बेहद ही सॉफ्ट दिल के हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी बयान देते हुए धोनी के संन्यास पर कहा, धोनी भाई आपके जैसा खिलाड़ी चेन्नई को दोबारा नहीं मिलेगा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, अपने क्रिकेट को भारत में जिंदा रखा और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, हर कोई आपको बेहद मिस करेगा और आपके जैसा खिलाड़ी शायद ही कोई और बन पाए, मैं काफ़ी भावुक हो चुका हूँ, मेरे पास तो आपके लिए शब्दों की कमी है, लेकिन आप जहाँ भी रहें खुश रहेंगे। वहीं धोनी के संन्यास पर हार्दिक पांड्या ने भी बयान देते हुए कहा कि मेरे लिए यह शौकिया खबर थी, हमने नहीं सोचा था कि धोनी भाई इतना जल्द आईपीएल से संन्यास लेंगे और उनके जैसा खिलाड़ी चेन्नई को दोबारा नहीं मिलेगा, मैं तो उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह कप्तानी करना चाहता हूँ, आज मैं जहाँ उन्हीं की वजह से हूँ और सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है, उन्होंने टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि चेन्नई को 4 बार ट्रॉफी भी दिलाई है, मैं जितनी भी तारीफ करूँ उनकी कम है, लव यू धोनी भाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से धोनी के संन्यास पर टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों का दर्द छलक उठा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी में कौन है दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।